जनपद पौड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खराब राशन राशन डीलर के यहां दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये राशन आंगनबाड़ी केंद्र में वितरित किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही खराब राशन का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी ने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि जिला खाद्य पूर्ति विभाग गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की वितरित करता है, जिसमें राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की ओर से पोषक तत्वों की गुणवत्ता वाला फोर्टिफाइड खाद्यान्न शामिल होता है। उन्होंने बताया कि कभी गलती से कुछ खराब खाद्यान्न डीलर के पास पहुंच भी जाता है तो उसे तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है। पौड़ी से मुकेश बचेते की रिपोर्ट। देखिए, ये मामला भी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और आपके सामने मैंने संबंधित इंस्पेक्टर से इस बारे में जानकारी ली है, तो उनके द्वारा बताया गया कि एक कट्टा जो सील बंद था उसमें थोड़ा गेहूँ जो है खराब निकला है, तो वो तत्काल उसको रिप्लेस कर दिया गया था। ये पहले से ही हमारी तरफ से डायरेक्शन जारी किए गए हैं, यदि खाद्यान्न कोई कट्टा खराब हो जाता है तो मिलता है तो उसको तत्काल जो वापस करके उसको चेंज कर दिया जाएगा उसको, क्योंकि जब चेकिंग होती है तो प्रत्येक कट्टे की चेकिंग करना संभव नहीं हो पाता है। माल ट्रकों से लोड होके आता है तो कोई कट्टा उसमें खराब निकल जाता है, इससे कोई वो वाली बात नहीं है। देखिए, कट्टे के पूरा न होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन हो चुका है हमारा और सारे कट्टे तो तोल के ही माल जाते हैं, तोल के ही वितरण होता है। प्रत्येक कार धारक जो है तोल के ले जाता है माल, तो कार धारकों द्वारा इतने हमारा कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं आती कि खाद्यान्न खराब आ रहा है। ये पहली बार शिकायत आई है कि गेहूँ चावल जो है खराब है, तो संभवतः हो सकता है कि कोई कट्टा उसमें कोई खराब रह गया हो, तो उसको तत्काल जो है कर दिया गया।